Zdrav. क्या नाम है? मनीष कुमार। जय भीम बोलो पहले। जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या काम करते हो? मनीष कुमार। जोर से बोलो माइक में आवाज। मनीष कुमार। क्या नाम काम करते हो? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। काय में? बैटरी कंपनी, उन बैटरी। कहाँ पे? बागपत रोड मेरठ। पढ़ाई कितनी करी है? इंटर। आगे पढ़ रहे हो या बंद? कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? आईटीआई। कहाँ से? साकेत। ठीक, वेरी गुड। आ जाओ इधर, आ जाओ, यहीं खड़े रहना। और इसे बिल्कुल एक जगह उजा देना। राइट। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक सेकंड खड़े रहो। खड़े। क्या नाम है? मेरा नाम चीनू है। अच्छा, क्या काम करती हो? मैं एक क्लास में पढ़ती हूं। आपके फादर का नाम? मेरे फादर का नाम मिस्टर सिद्धार्थ। ये कौन सा गांव है? ये सांपू है। पढ़ाई लिखाई जो करते हो, पढ़ते हैं, क्या बनना चाहते हो अपने जीवन में? क्या बनना चाहते हो? ऐसा क्यों? पुलिस वाले देश में सारे कठिन समाज के बोलते रहो, बोलते रहो। मेरे नाम सापू जैन, पिता का नाम मिस्टर हरपाल सिंह। जी। और इंटर कर लिया। आगे क्या करना चाहते हो पढ़ाई करके? आगे ऐसी डॉक्टर। डॉक्टर? अभी कुछ सोचा नहीं, वैसे डॉक्टर की है। ठीक, लो बेटा उठो, उठो तो जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी बैठते रहो। जय भीम, मेरा नाम शिवागी है, मेरे पिता का नाम मिस्टर अमीन। मैं 10th क्लास से पढ़ती हूँ। देखो थोड़ा सा साइलेंस रहना, इन बच्चों को कंट्रोल करो। मेरा नाम नेहा है। जय भीम बोलो पहले। जय भीम। मेरा नाम नेहा है, मेरे फादर का नाम मिस्टर सुधीर कुमार है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लूँगी? बायो। ठीक है, वेरी गुड। GNM कर लेना अगर ज्यादा कुछ ना कर सको। माय नेम इज सपना। जय भीम। जय भीम। माय नेम इज सपना, फादर नेम मुझे ग्रेट दर्शन। पोस्ट मेरा, मैं बीए कर रही हूं और टीचर बनना चाहती हूं। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके नाम की। माय नेम इज राधिका, माय फादर नेम श्री सुखपाल सिंह। मैं बीएससी कर रही हूं और बायोटेक्नोलॉजी से दो और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। बीएससी उधर, उन्हें पीछे को दो बैठ। डिस्टर्ब मत करो, जो जा रहा है उसे जान दो, जो है यहाँ रह दो। हाँ बेटा बोलो। आगे कुछ करने का इरादा नहीं है? पढ़ाई पढ़ोगे नहीं आगे? इंटर करती है। नहीं, इंटर से कोई लास्ट थोड़ी है। इंटर इससे के बाद में तो अभी बीएससी करने वाली लड़की बैठी है। माँ बाप कौन से हैं तुम्हारे? हमें मिल वही हो अभी उनसे। ठीक है ना, अभी मिलवा दो। उठो उठो। जय भीम, माय नेम इज शीतल, आई स्टडी इन क्लास 11। माय नेम इज डॉक्टर, माय फादर नेम इज मिस्टर जितेंद्र कुमार एंड आई लिव इन विलेज सापुर जनपुर पोस्ट अर्नावली। पीछे दो। जय भीम, माय नेम इज आंचल, माय फादर नेम इज मिस्टर राजू। पीछे तो माइक को थोड़ा चेहरे पर रखा करो, तेज बोलो। जय भीम, मेरा नाम सलोनी है, मेरे पिताजी का नाम श्री मुकेश कुमार है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, सापु जयपुर, और मैं आगे टीचर बनना चाहती हूँ। ठीक, वेरी। पीछे तो उठो, भाई उठो। ओए बच्चे यहाँ लो, यहाँ बैठ दो, लेकिन चुप रहियो, यहाँ लो, यहाँ लो।
जय भीम। मेरा नाम अंकुर है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं साउथ कैंट में रहता हूँ। एसडी इंटर कॉलेज से 10th क्लास कर रहा हूँ। मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। ठीक, देखो बच्चे माइक को ठीक से पकड़ कर रखो। मेरा नाम इकरान चौनिया, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। साहबुजान में मैं रहता हूँ। ठीक भाई, तार दो, तार छोड़ियो, तार तार। आशीष कुमार, माई फादर नेम मिस्टर अमर सिंह। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में? ठीक है, बोल बोल। देखो देखो, उठो, उठते रहो, खड़े होते रहो। ओए, या तो आर्मी है ना, कंट्रोल करो, तो मेरे मुंह को देखो। या तो इन्हें बाहर करो या अंदर बैठाओ साले। मेरा नाम रवि है, मैं इंटर के पेपर दे चुका हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर? डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करोगे? डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करोगे? बी फार्मा। बैठो, बैठते रहो। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, जब आप लोग इंटरव्यू दे रहे थे कोई बोल रहा था? थोड़ा सा मुंह को बंद रखो, दो मिनट में चेहरे के ऐसे उड़ा दूंगा मैं अभी। ठीक, देखो जय भीम। पीछे देखो, और जो लड़कियां बने देखो पहले। जय भीम बोल दो भाई, इतने बहुत है, खड़े हो गए। जय भीम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं जी। पढ़ाई लिखाई कुछ कर रहे हैं बच्चे? हाँ जी, पढ़ाई कर रहे हैं। कौन कौन सी क्लास में? इंटर में कर रखी जी। अच्छा ठीक है, देखो पीछे बैठते रहो आराम से, बिल्कुल साइलेंस रहे। जय भीम। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत है। कौन सा काम है ये? साहबुजान। क्या काम करते हो? अब तो करते ही काम धंधा ही करते। भाई यार तुम लोग साइलेंस नहीं करते। हाँ जी, बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। पढ़ाई लिखाई? क्या नाम आपका? नाम सतपाल है जी। हाँ। और पिताजी का नाम सुजन सिंह, और मजदूरी कर रहे जी अपना। चलो ठीक है, बाबा को भी दो, अपने पास में को रखो ना, इधर माइक को अपने पास रखो। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज। क्या काम करते हो? मैं काम कुछ नहीं करता, सब बड़ा पा रहा। अच्छा अच्छा, क्या बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। शादी होगी सबकी? शादी होगी। रोटी वोटी ठीक ठाक मिल रही है? ठीक मिल रही है। चलो ठीक है, लो जी अब आते हैं इधर खड़े। भैया तो आओ अंदर या पीछे से अंदर आओ। सभी को जय भीम एक बार बोलो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरा नाम देवेंद्र कुमार बोलता हूं मैं, और 20 मिनट के लिए जगह पूरी है, आराम से मेरे को बैठो, मुझे कुछ सवाल करो, मुझे मुझे आराम से बैठो। बात तो अपने घर भी कर ली जाके लोगों को बैठ बैठ एक नाम पढ़ने के लिए।
आप सब लोगों ने प्रोमिस करा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की याद में हम मनाते हैं, बात करो। मैं आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पांच सवाल पूछूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नाम की क्या है? आप लोग कौन?
हिंदू। हाँ जी हिंदू जी। एस सी। हाँ जी एस सी। बीड़ी पी रहे हो अब तो बंद हो गया जी। हाँ जी हम सब लोगों की मूर्ति खड़ी है बाबा साहब की। ये हालत जमीन है तुम्हारे पट्टे वट्टे की है पट्टे है ना खरीदे सरकार जो देता जाना तेरे पास देगी तुम्हें कभी बोल रहा स्कूल के अंदर उसको तो कि बीतते कहाँ आते हमारे पास क्या जी। स्कूल के दरवाजे हमारे लिए देश के अंदर सबसे पहले हम खुले थे किस पर हमारे सबसे पहले स्कूल कब बना था 1498। हाँ जी 1848 48 में 1848 राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले मैं हमारे लिए सबसे पहले स्कूल इस देश की ज्ञान की देवी कौन है सरस्वती। बड़े हो जवान तो सरस्वती क्यों कर रहे हो नहीं आता तो मैं बताऊंगा फिर। हाँ जी अरे सरस्वती ज्ञान की देवी कौन पूछी जाती है सरस्वती। कौन से स्कूल में गई वो सब स्कूलों में कहाँ पढ़ी वो कहीं भी नहीं पढ़े जा तुम डिग्री मास्टर कहाँ पढ़ी डिग्री बन जाओगे इस देश की ज्ञान देवी सर्वप्रथम शिक्षिका उसका नाम है माता सावित्री बाई फुले। हाँ जी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी सबसे पहले आगे वो देश भाई भी आएंगे जो सबसे पहले विद्यार्थी पढ़ने वाली महिला भाई लगाइयो इनमें दो तीन पहाड़ों में पड़ी जो इस देश की सबसे पहली शिक्षिका और हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने खोले अपने घर में चलाया। आज एक विचार जोड़ करना कि देश की आजादी 1947 के अंदर इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के अंदर पहले ही साथ थे जिन्होंने 10वीं क्लास पास की एक से 1907 में और आज कितने के टाइम है 2019 37 साल हो गए 1932 से पहले देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर पूरे देश के अंदर पूरे बुड्ढे बुड्ढे जितने भी हमारे देश के कबाड़ सब पूछ रहे कि भैया हमारे इस देश के अंदर कोई व्यक्ति मास्टर डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट छोड़ दो पूरे देश में चपरासी बता दो सरकार नहीं 1932 से पहले 5 लाख रुपए नाम नहीं था जो 1932 से
एक आदमी बता दे कि पूरे देश के अंदर मेरा रिश्तेदार, मेरा मेहमान या कोई भी आदमी एक कपड़ा सिल सकता है। 1932 के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने हमारी क्रांति शुरू करी तो पूरे गांव में, पूरे देश के अंदर कोई भी गली मोहल्ला गांव ऐसा बता दो जिसमें मास्टर डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट कला समाज के बच्चे ना हो। अगर तुम ना बनाओ तो इसकी कोई गारंटी नहीं, एक बता दो। और जिस व्यक्ति ने हमें घोड़ में उठाकर दिल्ली के संसद, जो भारतीय संसद है, भारत का भाग्य बदलता है, पार्लियामेंट में बैठा दिया और हम लोगों ने उसे पार्लियामेंट में बैठाया, घोड़ों में बैठा दिया, तो हमारे लिए धर्म की बात है या गर्व की बात है? गर्व की बात है। तो ये धर्म उतरेगी या नहीं उतरेगी? ये उतरेगी तब जब आप लोग पढ़े लिखे विद्वान हो तो अपने माँ बाप को सर। आज के बाद मैं आज मिलकर दोबारा अपनी मुँह अवसर कर आज के बाद एक क्वेश्चन करना अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़ने लिखने का तीन लोग दसवीं है तो दस शिक्षा होगी तो दस की डिग्री लागू ना है क्या टेस्ट पता चलेगा पता चलेगा इंटर करोगे फिर बी ए एम ए वो पेपर होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उसमें बुद्धि भी आती जाती है लेकिन एग्जाम में पढ़ाई के क्या है क्या नहीं देता। तो आज से क्वेश्चन करना अपने घरों के अंदर होली बने तो माँ बाप से पूछो भाइयों से पूछो कहानी का क्या फायदा किसने कहा उनका एक जवाब कोई भी त्यौहार करके अंदर में उनका सीधा क्वेश्चन हुआ क्या फायदा है कहानी का क्या होगा इससे क्योंकि बड़े बुढ़ों की जो ये परंपरा चली आ रही है ये तुम तोड़ दो वो तो अनपढ़ है उसे तो तोड़ दो लेकिन आप लोग पढ़े आपके ऊपर समाज का कर्तव्य है अगर मानते हो तो नहीं मानते हो कोई बात नहीं है क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि ईगन ईगन सब चले ईगन चले सबो और ईगन से हटके चले सारे सपोर्ट सपोर्ट बनो ये तो मिट्टी मिट्टी बातें में किसी ने यह करने नहीं आया कि मुझे किसी की वोट दी है किसी की नोट दी है किसी की सपोर्ट ना नोट दी है ना वोट दी है ना सपोर्ट ठीक है। आप सब लोगों ने इसमें कीमती समझ लिया बाकी जानकारी अगर 14 अप्रैल को आप लोग आमंत्रित करोगे तो मैं ये बात नहीं आया था मैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाने का कार्य करते हैं लोग जो दिन रात कैडर कैंप लगाते हैं महिला उर्दू महिला बहुत सारी जागृति कर रही है उनको मैं भेज दूंगा ठीक है। तो आप सब लोग चिंतन मनन करें महापुरुषों की विचारधारा पर काम करें और मैं आप सब लोगों को इसलिए निमंत्रण देने आया हूँ क्योंकि आने वाली 17 मार्च ये आलमगीरपुर जो बिहार है बहुत बड़ा कल्याण ये सब बाबा को पता होगी वोट है वहाँ पर एक विशाल 50 गांव का कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें आप जैसे युवा बुजुर्ग बच्चे सब लोग हाँ बैठने को कुर्सी देंगे पीने को फिल्टर पानी देंगे खाना देंगे होगा तो इतिहास भी फ्री देने को बाबा साहब की जीवनी माता साहब की बात देंगे ठीक है। आओगे अपने मैसेज है जाओगे सब चीज आप लोगों को वहीं सुनेगा किसी चीज़ की हमारे पास कोई पैसे गाड़ी की ना तेल की ना पानी की ठीक है ना। आप लोग आएंगे 17 मार्च ये बिल्कुल डेट है इनमें इसीलिए 18 मार्च ने कहा था कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे क्या होगा क्या करो इस पुताई को इससे बढ़िया तरीके से
करो सिंबल ऑफ नॉलेज सिंबल ऑफ नॉलेज इस संसार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं हमने इसकी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मट्टी हम लोग तो इसलिए यहाँ बेहतरीन तरीके से जयंती होनी चाहिए क्योंकि पता इसका है ठीक से ऐसी कराओ और बाहर व्यवस्था आएंगे महिला भी आएंगे इसमें आ रही है आप सब लोग व्हाट्सएप नंबर मुझे देंगे मेरा नंबर लेंगे मैं आपको लोगों को कार्ड दूंगा ठीक है जय भीम जय भीम मेरी बात सुनते किसी को बुरा नहीं लगा आप लोग सुन लो मैं अपने भी सुनता हूँ।